और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं जोधपुर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा इस समय मौजूद हैं और जोधपुर के दौरे पर आज सीएम। तो सीएम भजनलाल शर्मा का जोधपुर दौरा, दिल्ली से सीधे जोधपुर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, जहां पर एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक यहां पर आयोजित की गई है आगामी लोकसभा चुनाव के चलते, और तमाम तैयारियों को अंतिम रूप अब दिया जा रहा है, चुनाव प्रचार को लेकर अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जोधपुर से प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनको मैदान में उतारा गया है, और तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो एक बड़ी तैयारी अब लोकसभा चुनाव को लेकर, और उस तैयारी में इस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। इस समय सूबे के मुखिया जोधपुर में मौजूद हैं, यहां से उदयपुर जाने का उनका कार्यक्रम है। दिल्ली में थे मुख्यमंत्री भजनलाल, जहां से सीधे जोधपुर पहुंचे हैं, दिल्ली में तमाम नेताओं से मुलाकात की, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, चर्चा हुई, मंथन हुई, राजस्थान की राजनीति को लेकर रणनीति तैयार की गई। तो इस समय जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से सीधे जोधपुर पहुंचे और यहां से उदयपुर जाने का कार्यक्रम है। फिलहाल क्लस्टर बैठक के अंदर कार्यकर्ता क्लस्टर बैठक के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जो जोधपुर में मुख्यमंत्री इस समय मौजूद हैं। तो मेडिकल कॉलेज सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम की अगवानी की, उनका स्वागत सत्कार हुआ। मंत्री गजेंद्र सिंह, खींवसर, जोगाराम पटेल इस बैठक में मौजूद हैं। तो बाड़मेर, जालौर, सिरोही और अन्य जिलों को लेकर ये क्लस्टर बैठक आज जोधपुर में आयोजित की गई है, और इसी तरह की तमाम क्लस्टर बैठकें हर संभाग में आयोजित की जाएगी, जहां पर तैयारी की जा रही है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, रणनीति बनाई जा रही है, कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है, जीत का मंत्र यहां पर दिया जा रहा है। सूबे के मुखिया एक एक जिले तक किस तरह से कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचेंगे, केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता तक लेकर जाएंगे, उसको लेकर यहां पर एक ट्रेनिंग प्रोसेस, प्रशिक्षण और तैयारी की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी। जितेंद्र, सूबे के मुखिया जोधपुर पहुंच चुके हैं, बैठक में तमाम लोग मौजूद हैं, किस तरह की तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि यहां पर जोधपुर लोकसभा के साथ पाली, बाड़मेर, जालोर और सिरोही के तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है क्लस्टर बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें किस तरीके से जो है अपनी झोली में लेगी, उसको लेकर एक मूल मंत्र जो है यहाँ दिया गया। इसके साथ ही कई बड़े जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने आज जो है यहाँ पे कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, जिसमें सबसे बड़ा नाम करण सिंह, सबसे बड़ा नाम है हनुमान सिंह खांगटा, जो कि राजपूत समाज से बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। इसके अलावा पप्पू राम धारा, जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। इनके साथ ही कई 8-10 कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने जो भाजपा ज्वाइन की है। साथ ही जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस छोड़कर भाजपा आने का जो सिलसिला है, आज जोधपुर में भी देखने को मिला है। जी, तो अभी ये जो क्लस्टर बना के कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, किस तरह की रणनीति इसको लेकर रहेगी? और जैसा कि हर मंच से कहा जा रहा था कि हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास रहेगा, तो क्या कुछ ट्रेनिंग प्रोसेस यहाँ पर चलने वाला है, क्योंकि बड़ी रणनीति दिखाई दे रही है यहाँ? बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। साथ ही किस तरीके से बूथ लेवल से शुरू, जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही उनकी रणनीति रही है बूथ स्तर से, तो वही बूथ कैसे मजबूत करना है उसको लेकर के जो है मूल मंत्र आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए। साथ ही बड़े जो भाजपा नेता थे वो भी, जो 25 की 25 सीटें हैं किस तरीके से झोली में लाई जाएगी, उसको लेकर के मूल मंत्र दिया गया। जी, ठीक है। तो आज सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम जोधपुर में रहने वाले हैं, उसको लेकर इस बैठक के अलावा? देखिए,
बैठक के अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कोई कार्यक्रम नहीं है। रिजर्व कार्यक्रम जरूर रखा गया है आधे घंटे का, उस रिजर्व कार्यक्रम में कई जो नेता है उनसे वन टू वन जो है मुलाकात हो सकती है। और इसके अलावा पौने एक बजे यहाँ से जोधपुर से उदयपुर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जी ठीक है, जोधपुर की अगर राजनीति की बात की जाए, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं तमाम जिलों के क्लस्टर जो पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं वो इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, जोधपुर की अगर राजनीति की बात की जाए तो इस समय क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री का, यहाँ पर तो अच्छा खासा दबदबा है और कई विकास कार्यों की बात वो हर मंच से करते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो यहाँ गढ़ माना जाता है, वहां पर मुख्यमंत्री के साथ अन्य जो नेता, क्योंकि यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, स्थानीय मुद्दे जो है हावी रहते हैं, साथ ही जातीय समीकरण हावी रहते हैं। इस बार जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदलता हुआ यहाँ परिप्रेक्ष्य नजर आ रहा है। अब वक्त बताएगा कि क्या परिप्रेक्ष्य कितना बदलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदलाव है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस के दोनों दलों में देखने को मिल रहा है। जी जितेंद्र, क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव खासकर जोधपुर को लेकर? जबकि अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो कांग्रेस का राज था, 10 साल से बीजेपी यहां पर मौजूद है, तो ऐसे में इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इतना आश्वस्त होना ठीक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक रणनीति रहती है कि वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में लग जाती है। हाँ। और इसी जो रणनीति के तहत वो अपने आप को इतना आश्वस्त मान रही है कि तीसरी बार हैट्रिक बनाने की जो है वादे लगातार मंचों से किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी अपनी उस वर्चस्व की सीट जो कांग्रेस की थी उस सीट को कायम रखने के लिए लगातार हर कोशिश प्रयास और लगातार जुटी हुई है। संघर्ष बहुत कड़ा मुकाबला जोधपुर में देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि दोनों ही नेता एक ही सभा में आते हैं। बिल्कुल, संघर्ष तो अभी जारी रहेगा, चुनाव प्रचार भी जारी रहेगा क्योंकि चुनाव अभी थोड़ी दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।